नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। बिजावर जनपद क्षेत्र के ग्राम मऊखेरा में इन दिनों लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। दरअसल लोगों को यहां मौजूद एकमात्र हैंडपंप का सहारा है और इसी हैंडपंप से निकलने वाला पानी एक कीचड़ के रूप में तब्दील हो जाता है और कीचड़ का ये पानी रिसकर दोबारा नीचे चला जाता है और इस तरह से हैंडपंप से गंदा पानी बाहर निकल रहा है और ग्रामीण इसी पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने जब इस संबंध में सरपंच और सचिव से इस हैंडपंप के समीप एक नाली निर्माण की मांग की तो सरपंच सचिव ने पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि विधायक से इस बात को रखा जाए ताकि वो बजट उपलब्ध करा सकें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाज के लिए अब बजट मौजूद नहीं है। गंदगी किस तरीके की गंदगी है? जी श्रीमान का वो पानी रहते। इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? कहीं पे सब जगह का वाली का ये का कोई संता ही नहीं है। सरपंच सेक्रेटरी का कहते हैं काटे हमारे बजट ही नहीं है, हम कहाँ से ले आप पैसे? ठीक है भैया, पैसे में भर रहा पानी पीने के लिए। अरे मैं तो गंदगी मर रही, कसेड़ियाँ लो रहा है, वही में सुगाइयाँ लो रही, उनमें सब पानी भर रहा है। सब ये कही जैसे हम लोग ने कही आप भैया तो काम का और सरपंच सेक्रेटरी से बार बार आवेदन लिख के और निवेदन करके भी कह नहीं, और 81 पे भी शिकायत कर चुके विधायक जी, हम भी बता चुके कहते हमारी जो समस्या नाली की है कि नाली का वाली ऐसी जगह जो पानी नहीं पीते, जैसी जगह पे हम लोग वही नलका का पानी गंदा पानी उसी में जाता है, उसी पानी पीता है, उसी में बहता है। सरपंच सेक्रेटरी से कहते थे तो एक दिन कि विधायक जी से हमें फंड दिवा दो, हम नाली बनवा दे, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। अच्छा अच्छा, के विधायक निधि से पैसा देवा तो हम नाली बनवा, नहीं तो हम ना बनवाए कुछ नहीं।